हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि जनता दरबार यानी बिहार के जनता दरबार का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलिंग हो रहा है, तो उसको आप कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। देखिए, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है JKDM। देखिए, ये पहले से ही मैंने इसे सर्च किया है, इसलिए ये मेरे हिस्ट्री में ऑलरेडी है। तो आपको jkdmbihar.nic.in पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ढेर सारा साइट ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले साइट पर क्लिक करना है। देखिए, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन करें। यानी आप जिस जनता दरबार में जाना चाहते हैं अपने शिकायतों को लेकर, तो उसका फॉर्म आपको यहाँ से फिल होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारा बात लिख देना है। जैसे आधार के अनुसार आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। आप आधार कार्ड से हट के नहीं लिख सकते, जो भी उसमें लिखा है वही आपको लिखना है। तो देखिए, मैं आपके सामने सब फिल कर देता हूँ। नाम में मैं भरता हूँ रोशन कुमार, पिता का नाम आपको यहाँ भरना है, आधार संख्या जो आपके आधार कार्ड के नीचे एक डिजिट लिखा रहता है वही आपको भरना है। उसके बाद बताइए, आपको इसमें अपना जन्म का वर्ष बताना है। जो भी आपको भरना वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड से हट के भरा तो आपका गलत हो जाएगा, फिर आपका फाइल पेंडिंग में चल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ईमेल आईडी आपको यहाँ अपना लिख देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, और इसी मोबाइल आपको वही मोबाइल नंबर लिखना है जो जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। फिर आपको OTP प्राप्त करें, उस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि अगर आपका आधार कार्ड सही होगा, इसका मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन लिखे होंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, आधार संख्या जो मेरा है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन अगर आप गलत लिखेंगे तो ये ग्रीन कलर जो है रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ ग्रीन कलर है, इसका मतलब आपका आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तो OTP सत्यापन करें, इस पर आपको OTP आएगा। OTP मेरा आया है या नहीं अभी देख लेते हैं। OTP सत्यापन करें तो आपको यहाँ लिखना है OTP प्राप्त करें, तो आपका फ़ोन पे OTP आ जाएगा। मेरा आ चुका है 8100। देखिए दोस्तों, OTP सत्यापन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ये पेज बिल्कुल सादा रहेगा। अब आगे का जो स्टेप है, इसमें आपको शिकायत दर्ज करना है, यानी कि जिसके लिए आप जनता दरबार में जाना चाहते हैं वो सारा शिकायत आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ है वो फिल करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो भी शिकायत है वो लिखना होगा। तो यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि ये पेज बिल्कुल सादा है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। आप ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ एक 3 डॉट है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको ध्यान से थोड़ा बता दूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएँ। देखिए दोस्तों, ये है एक 3 डॉट जो आपको दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस 3 डॉट पर जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें तीन यहाँ वो ऑप्शन दिखेगा शिकायत का। आपको शिकायत पे क्लिक करना है और शिकायत दर्ज करे वाला ऑप्शन चुनना है। तो मैंने आपको अपने एल्बम में जाके बता दिया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिकायत दर्ज करें, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपना सारा एड्रेस देना है, जिला जिस जिला में आप रहते हैं,
प्रखंड यानी कि ब्लॉक आवेदनकर्ता यानी अपना नाम इसमें लिखना है आपको, इसमें पिता का नाम लिख सकते हैं और आपको एक फ़ोन नंबर देना है, उसी नंबर पे आपको कॉल आएगा। आपत्ति बिंदु, आपत्ति बिंदु में आपको किस चीज़ पे प्रॉब्लम है आपको वो लिखना है। जैसे कि यहाँ रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी यानी आपत्ति बिंदु का यहाँ मतलब ये है कि फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मेन यहाँ समझने वाली बात है शिकायत, यानी कि आपको किस चीज़ पे शिकायत है। जैसे मुझे पुलिस विभाग से शिकायत है या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से शिकायत है, आपको जिस चीज़ से भी शिकायत है आपको यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद ये जो ऊपर में अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं या लेटर जो लिखे हुए हैं ए, जैसे जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे वैसे ही यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है।